खेल संग्राम में आपका स्वागत है। प्रो रेसलिंग लीग सीजन 2 के 9वें दिन एनसीआर पंजाब रॉयल्स ने अपनी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए यूपी दंगल को 5-2 से हरा लगातार तीसरी जीत दर्ज की। बात की जाए इस मुकाबले की तो यूपी दंगल ने टॉस जीतकर पुरुषों के 97 किलो की कैटेगरी में ब्लॉक किया। दिन का पहला मुकाबला पुरुषों के 57 किलो की कैटेगरी का था, जिसमें पंजाब के व्लादिमीर ने यूपी के अमित दहिया को 6-2 से पटकनी देकर पंजाब को पहला अंक दिलाया। हालांकि इसके बाद महिलाओं के 48 किलो की कैटेगरी में यूपी की यानकोवा ने पंजाब की निर्मला देवी को कड़े मुकाबले में 2-1 से हरा स्कोर 1-1 अंकों से बराबर किया। तीसरा मुकाबला पुरुषों की 74 किलो की कैटेगरी का था, जिसमें पंजाब के पहलवान जितेंद्र ने यूपी के तारिल गपरीन दशविली को 6-1 से हरा अपनी टीम को 2-1 से बढ़त दिलाई। इसके बाद महिलाओं के 53 किलो की कैटेगरी में पंजाब की स्टार खिलाड़ी ओडू यानो ने यूपी की पिंकी को 6-0 के बड़े अंतर से चित किया और पंजाब को एक और अंक दिलाया। वहीं पंजाब के पहलवान इलियास ने पुरुषों के 65 किलो की कैटेगरी में यूपी के आंद्रे को 6-3 से हराया और 4-1 के स्कोर के साथ पंजाब ने यूपी दंगल को मुकाबले से बाहर किया। हालांकि इसके बाद पुरुषों के 70 किलो की कैटेगरी में यूपी के अमित धनकर ने पंजाब के पंकज राणा को 13-5 से पटकनी देकर यूपी को दूसरा अंक दिलाया। आखिरी मुकाबला महिलाओं के 75 किलो की कैटेगरी का था, जिसमें पंजाब की वेस्लिसा ने यूपी की मारिया माशो को 3-1 से हरा पंजाब को 5वां अंक दिलाया। इस तरह 5-2 के स्कोर के साथ मुकाबला एनसीआर पंजाब रॉयल्स के नाम रहा। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए खेल संग्राम।